डर गई ना? वापस क्यों आई? मैंने कहा था ना, अब हाला मुड़ा को बहुत गुस्सा आया तुम्हारे पर, पता तुम्हें? इधर आओ, देखो इधर आओ, ये पुल का गहरा हिस्सा है, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें उठा के इसमें फेंक दिया तो गिराओ गिराओ, नहीं गहरा है, निकल नहीं पाऊंगी, तैर भी नहीं पाऊंगी, समझे? चुप, मुझसे आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप, बिल्कुल चुप। अभी तो सिर्फ पैर गीले किए हैं, अगर ज्यादा तंग किया ना तो पानी में डुबो दूंगी, छटपटाती रहना वहां पर, तुम निकल नहीं पाओगी। पर अगर ये बात किसी को कही तो खाला बूढ़ा को बोल दूंगी, बहुत बुरा होगा, डोंट फॉरगेट इट। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने तुम्हें क्या कहा था? जब तुमने वो बच्ची हमारे ऊपर थोपी थी तो मैंने क्या कहा था? कुछ वक्त लगेगा उसके साथ घुलने मिलने में, रातों रात तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे कमरे में यूं जस्ट बाजिन बदतमीजी करोगे और इल्जाम लगाओगे मुझ पर। अब निकलोगे बाहर? ये तो आपकी आवाज की पिची बता रही है कि कौन सही है और कौन गलत। खैर, मुझे ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं तो रोशनी से बहुत प्यार करती हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं वहां भी गलत था। आपको अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है, बल्कि उसकी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अपना रोशनी का नाम लेकर मुझे कॉर्नर करने की कोशिश? कॉर्नर तो आप हो चुकी हैं सासू मॉम, और मेरे सारे सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। जब तक नहीं देंगी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कोई भी जवाब देने की। देने पड़ेंगे सासू मॉम, जवाब तो सारे देने पड़ेंगे। क्या आपने उस बच्ची को टॉर्चर किया? नॉट एट ऑल। उसे धमकाने की कोशिश की कि नहीं? नो। क्या आपने कोशिश नहीं की कि वो डर कर घबरा कर ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाए? प्लीज गिव इट अप। आई न्यू इट कि आप इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कि आप एक्सेप्ट कर लें और खुद को एम्बेरस करने की एम्बेरसमेंट से मुझे बचा लें। दिस इज सैड, दिस इज रियली वेरी सैड। खैर, सबूत चाहिए था ना आपको? क्या बोलूं मैं मॉम, कुछ रह ही नहीं गया बोलने के लिए। मैं सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस मॉम, सीरियसली यू नो आप हमेशा मुझे अमेज कर देती है, यू नो हर बार एक नया ड्रामा, हर बार। हाउ कुड यू डू दिस मॉम? But hats off, you know. Mom, पता नहीं मुझे ना सरप्राइज नहीं हो रहा ये सब देख के, यू नो ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है। याद है आपको वो एक नाटक किया था आपने बहुत बड़ा, हार्ट अटैक का नाटक अपनी बेटी के लिए, यू रिमेम्बर? नो यू डू राइट? तब भी आपने कितना बड़ा गेम खेल दिया था। मैं बड़ी थी मॉम, मैं झेल गई। She's a 6-year-old kid. और आपने इतना बड़ा नाटक फिर से अपन क्यों मॉम? आपके अंदर
अंदर दिल नाम की चीज है क्या? वो फीलिंग्स, इमोशंस कुछ कुछ है कि नहीं? Has your soul died, Mom? Mom, look at her. वो 6 साल की छोटी सी बच्ची है, इसे पता तक नहीं, इसे बोलना तक ठीक से नहीं आता, इसके साथ गेम्स खेल रही है। मोम, आपको शर्म तक नहीं आई जरा सी? सिद्धार्थ, हम इस छोटी सी बच्ची को आज तक डांटते रहे, उसे ब्लेम करते रहे उन गलतियों के लिए जो उसने की नहीं थी। उस बेचारी को पता भी नहीं होगा उसे डांट किस लिए पड़ रही है। She wouldn't even know. आयशा, फिर भी I'm sorry. मुझे नहीं पता था फॉल्ट कहीं और है। मॉम, क्यों हर बार क्यों ऐसे करती है आप? मॉम, वो बच्ची है, हम इसे समझा लेंगे, उसे डिसिप्लिन कर लेंगे, लेकिन आपको कौन समझाएगा? आपके साथ डील करना सो इम्पॉसिबल मॉम, मुझे घिन आ रही है इस वक्त, अपने ऊपर घिन आ रही है, आपको मॉम बोलते हुए मुझे शर्म आती है यार। You let me down all the time. क्यों करती हो आप ऐसे? You know what? Accept it. मेरी बेटी है ये। एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगी, करोड़ों बार बोलूंगी, मेरी और सिद्धार्थ की बेटी आयशा। You have to deal with it. रोशनी, What is this middle class behavior? ये कोई तरीका अपनी मॉम से बात करने का? दीदी बस कीजिए प्लीज। लेकिन आखिर हुआ क्या है? अपनी प्यारी डीडी से पूछिए ना, बताइए ने, कीजिए एक्सप्लेन, कैसे 6 साल की बच्ची के साथ गेम्स खेल रही है ये? मॉम, इससे पहले आप उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने जाएं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज के बाद आयशा को हार्म करने की कोशिश मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और एक बेटी नहीं एक माँ बोल रही है। You know what? मैं इस घर को ही छोड़ के चली जाऊंगी, बिकॉज मैं अपनी बेटी को ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रख सकती जहां इतने सारे गेम्स खेले जाते हैं, जहां इतने गंदे माइंड्स चलते हैं सबके। मुझे रहना ही नहीं इस घर में। मैं आपको क्यों समझा रही हूं? आपसे तो छोटी सी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई, जहां पे आपकी तरह गंदे गेम्स खेले जाते, वो भी बच्ची के साथ। सिद्धार्थ, मैं आयशा को अभी इसी वक्त इस घर से लेके जा रही हूँ, तुम चल रहे हो मेरे साथ? रोशनी, मेरी बात तुम्हें यहाँ रहना है, तुम लोग लिसन टू मी। रोशनी, रोशनी सुनो, रोशनी लिसन टू मी, रोशनी, रोशनी सुनो मेरी बात। बेटा वो आप क्या बात है मैडम, आप कहीं बाहर जा रही हैं बच्ची को लेकर? वो एक्चुअली आपके हाथ में सूटकेस देखा तो क्या बात है, आप लोग कितने सीरियस हो नजर आ रहे हैं। मैम आपने जवाब नहीं दिया, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं आयशा को उसके दादा दादी से मिलवाने लेकर जा रही थी। आई एम सॉरी, पर ये पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन पॉसिबल नहीं हो पाएगा? ये बच्ची अपने दादा दादी से तो मिलेगी ना, शी कैन गो राइट? बट मैम यही प्रोसीजर है, बच्चे का एडॉप्शन इसी घर में रहते हो रहा है, तो इसी घर के आधार पर वैल्यूट कर सकते हैं। देखिए मैम, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, आपको यहीं रहना पड़ेगा। सॉरी, अब ये क्या करने आया आप? अरे सासू मॉम, आपके सरदर्द की इटर्नल वजह तो मैं ही हूँ, मुझे तो आना ही था। ऐसे एक बात कहूँ, इतने बड़े बिस्तर पे आप अकेले सोती हुई अच्छी नहीं लग रही। <coughs> <coughs>
मार क्यों रही है? मैं आपको देखने के लिए चला आया था। अकेले कमरे में खांस खांस के सासू मॉम से खांसू मॉम बन गई हैं आप। कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? नहीं मतलब आई एम जोकिंग। एक्चुअली तो आप बीमारी में भी मीना कुमारी लग रही हैं और मीना कुमारी की बीमारी का ये वायरस घर में हर किसी को लग गया। सबके मुंह लटके हुए पता। और कुछ? और कुछ नहीं, मैं तो बस चला आया आपको देखने के लिए। अरे आपके जमाई राजा श्री कृष्ण का अवतार है, जहां आना चाहे आ सकते हैं। भाई मैं तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों भाई, कहाँ जाना है हमको, क्या खास बात है? अरे पता क्या खास बात है, जाना है ना हमको। अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, पिकनिक जाएंगे सासू मॉम। अरे थोड़ा बहुत तो ब्रेक ले लिया करिए यार, सबको थकान होती है, सारा टाइम काम में व्यस्त रहते हैं। कभी तो ब्रेक लो। भाई मैं तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों भाई, कहाँ जाना है हमको, क्या खास बात है? अरे पता क्या खास बात है, जाना है ना हमको। अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, पिकनिक जाएंगे सासू मॉम। अरे थोड़ा बहुत तो ब्रेक ले लिया करिए यार, सबको थकान होती है, सारा टाइम काम में व्यस्त रहते हैं। कभी तो ब्रेक लो। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम निकलोगे घर के बाहर ना, मैं अपने आप आराम कर पाऊंगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, प्लीज इसे लेकर जाओ। और नहीं, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो तुम मुझसे। बस बस, बक बक करना बंद कर और ये काढ़ा पी ले, समझी ना? अब सिद्धार्थ, मैं काम करती हूँ, मैं नहीं चलती हूँ। क्या है दुर्गा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर उसके पास तो कोई होना चाहिए ना, है ना बेटा? इसलिए मैं नहीं आती हूँ। हाँ नानी माँ, वैसे आप रुकी जाइए, पता है आप जैसी माओ के दिल का दर्द ये जवाई अच्छी तरह समझ सकता है। अब सोचिए, एक ऐसी बेटी जो बड़ी होने के बाद भी बड़ी ना हुई हो, वही बचपन की शरारतें, वही बचपन की छोटी छोटी बातों पे जिद, आई नो इट कैन गेट वेरी वेरी इरिटेटिंग। खैर ऐसी बच्ची का लालन पोषण करने में आपकी कितनी वाट लगती होगी भैया, आई कैन एम्पथाइज। अब एक काम करिए ना, आप इसके साथ ही चले जाइए, इसको ज्यादा जरूरत है आपकी, क्योंकि आपके अलावा इसे कुछ जेल तो नहीं है। नहीं नहीं दुर्गा, मैं रुकती हूँ यहाँ, तुझे मेरी जरूरत है ना। नहीं नहीं आप मत रुकिए, कह तो रही हूँ, आप इसके साथ जाइए ना। हाँ वैसे नौकर चाकर तो है ही घर में। एक काम करिए ना, नौकर चाकरों को भी छुट्टी दे दीजिए, वैसे भी जैसे मेरा टेम्पर है इस वक्त सब नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बहुत सही कह रही है, बहुत सही कह रही है सासू मॉम। देखिए अगर उनको छुट्टी नहीं दी आज तो वो तो इनके टेम्पर की वजह से नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। एक काम कीजिए, सासू मॉम इतनी जिद कर रही हैं, तो उनको बोल दीजिए छुट्टी ले लें। सासू मॉम को इस बीमारी की हालत में अकेले रहना चाहिए, शी नीड्स टाइम अलोन। ठीक है छुट्टी दे देते हैं, ठीक है ना? तो तू रह लेगी ना दुर्गा? लेकर जाओ इसे यहाँ से, दरवाजा बंद करके जाना बिल्कुल। ठीक है। अरे आप अपने गले के बंद दरवाजों को तो खोल लीजिए, हम तो दरवाजा बंद के बंद। सैम क्या तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सैम, कोई गुड न्यूज देने वाली हो क्या? गुड न्यूज का तो पता नहीं, लेकिन धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज जरूर है मेरे पास। अरे यश बेटा आजा, तेरी वेट हो रही थी। क्यों बताया नहीं इन्होंने आपको किस तरह से दारू के नशे में इन्होंने खुराना फैमिली में दंगा मचाया है? क्या? और दंगा तो छोड़ी, इन्होंने तो दारू के नशे में कृतिका के साथ हाथापाई भी की है। और ये जो नींबू पानी पी रही है ना, ये इसकी और कोई वजह नहीं है? ये कल रात का दारू का नशा उतार रही है अपना। ये तो क्या कह रही
सैम यू डिस्गस्टिंग। यश बेटा सुन, मेरी बात तो सुन। चल बाजी मत कर यश प्लीज। यश एक सेकेंड, यश हम बैठ के बात कर सकते हैं। यश प्लीज मेरी बात सुनो। यश कहाँ जा रहे हो तुम? यश मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यश क्या बताऊँ? मम्मी जी आई एम रियली सॉरी, बाहर जो भी तमाशा हुआ वो आपके फ्रेंड्स के सामने नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है जो आज पार हो चुकी है। जब एक पत्नी को अपने पति पर विश्वास ही नहीं तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर है कि मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊं। नहीं बेटा, शायद दूरियां इस रिश्ते को सही कर पाए। इतनी एक्साइटमेंट है कि देखकर भी नहीं चल सकते। तुम तो देख के चल सकती हो, उसके बाद भी टकरा गई मुझसे। वो कहता है ना, अगर इंसान के दिल में चाह हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। क्या करें, तुमसे मुझसे दूर रहा नहीं जाता ना। कोई नहीं है घर में, सब पिकनिक पे चले गए। एक काम करें, छोटी सी पिकनिक अपनी बना लें। How mean are you? खुद पिकनिक का प्लान बना के और तुम खुद ही डिच मार रहे हो। आयशा कितनी एक्साइटेड है, तुम्हें पता है ना? है किधर आयशा? अच्छा गई, केसर चाचू लेके गए ना उसको। अब इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और तुम हैं। पर ऐसे कैसे चली गई यार? हमें आयशा को हमारे साथ जाना था ना। हाँ तो क्या हो गया, अब मुझे अपनी पत्नी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा क्या? तुम्हें और आयशा को ना बस एक मौका दे दो, पग 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 मतलब चालू ही रहता तुम्हारा, सुधरना मत कर। अब चलो। नहीं चले। नहीं चलो ना, थोड़ी देर में। पानी की बोतल ही रख के चले जाते थे। चले गए। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Get it. आयशा बच्चे? हाँ मॉम, क्या किया आपने इसके साथ? इसे आग में फेंक दिया आपने? मॉम, व्हाट डिड यू डू टू हर? आयशा, ये सब कैसे हुआ इसके साथ? मैम,
प्लीज शांत हो जाइए, बच्ची थकी है, उसे आराम करने दीजिए। वो बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। जी थैंक यू। मॉम यहाँ पे क्या हुआ है मुझे जानना है, क्या किया आपने इसके साथ? आपके अंदर थोड़ी सी शर्म नहीं है क्या? क्या किया आपने इस छोटी सी बच्ची के साथ? रोशनी वो तुम्हारी माँ है, ये कोई तरीका होता है क्या बात करने का? कोई माँ का दिल नहीं है उनके सीने में सिद्धार्थ, होता ना इसके साथ ये सब नहीं होता। ये तो हम सब जानते हैं आयशा के साथ कितनी प्रॉब्लम है, पर इतनी प्रॉब्लम है आपने? मॉम हाउ कुड यू डू दिस? बालक ये बेबी, ये दर्द हो रहा है। पापा ने कहा था मैं उसकी भादो बेटी हूँ ना, मैं हूँ ना भादो बेटी। ओ बच्चे बहुत बहादुर हो तुम। आयशा कितनी चोट लगी है बेबी, आज जल रहा है तुम्हें। बहादुर माय फुट, इससे पहले पूछो कि इसने आग कैसे लगाई। ऐसा है, बहुत हो गया है नानी मौसी, एक अरसे से मैं आपकी सारी बातें सुनता आ रहा हूं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाई जा रही, लेकिन अब नहीं। अगर कुछ कहना है तो जान के बूझ के सब कुछ समझने के बाद बोलिए, उससे पहले नहीं। सच ये है कि अगर यहां कोई गलत है तो वो मैं हूं। मैं चाहता था कि आयशा अपनी नानी माँ के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करे, मैं चाहता था कि आयशा को उसके बुजुर्गों का प्यार मिले, उसको भी उसकी नानी माँ का प्यार मिले। मैं चाहता था ये दोनों एक स्पेस में रहें ताकि इनके दिल में जगह बन सके आयशा के लिए, इसीलिए मैंने सबको पिकनिक पे ले जाने का प्लान बनाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा, तो अगर यहां कोई गलत है तो मैं हूं। कुछ कहना तो मुझे कहिए, इस बच्ची को नहीं। किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो सिद्धार्थ? ये लोग जिनके जिनके सीने में दिल ही नहीं है, पत्थर है ये लोग। You know what? मैं थक चुकी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से, इन सबको साथ लाने की कोशिशों से। I am done with it, सिद्धार्थ। मैं यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रह सकती। मैं आयशा को लेके यही अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। आयशा चलो रोशनी मेरी बात सुनो यार, कम से कम ये तो सोचो कि एडॉप्शन एजेंसी वाले क्या कहेंगे, हम आयशा को खो देंगे हमेशा के लिए। हार्ड में जाए एडॉप्शन वाले, मैं देख लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, पर अभी यहाँ नहीं रुकूंगी। आयशा कम, मैं अभी यहाँ से इसको लेकर जा रही हूँ। रोशनी एक मिनट रुको, प्लान तुम्हारा था, मुझे सोच लेना चाहिए था, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो किस हक से बनाया तुमने ये प्लान? सीरियसली तुम्हें किसने हक दिया मेरी जान के साथ खेलने का? इस घर से बाहर कोई नहीं जाने वाला जब तक ये सारा हिसाब पूरा नहीं हो जाता। और अगर किसी ने जबरदस्ती की इस घर से निकलने के लिए तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। दुर्गा, इस लड़की के भरोसे छोड़कर गए थे तुम मुझे? वो भी जब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। बोलो अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? अरे मुझे तो छोड़ो, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो? अरे कुछ सोच समझ के कर लिया करो, कभी तो दिमाग लगाया करो अपना। सासू मॉम गलती मेरी है पूरी तरह, लेकिन मेरे इंटेंशंस में। किस बात की सफाई दे रहे हो सिद्धार्थ, और किसे दे रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये बहुत अच्छा है, घर में सबको मिलाने के लिए मेहनत मैं करूं, सारे प्लान्स मैं बनाऊं और गाली भी मैं ही खाऊं, और प्यार आप लोग ले ले सारा। देखते हैं। अरे भाई तुम्हें भी तो प्यार मिलेगा। हाँ जो कुछ तुमने किया है कान पकड़ो और 10 बार उठक बैठक करो, राइट?
चलो ऑटोमेटिक करते चलो फायर चलो यस ओके स्टार्ट वन आइए लेकिन ऐसे के टू ओके ओके रिलैक्स काम डाउन करता हूं यार करता हूं कर रहा हूं बड़ी हो क्या आप जैसी बनने वाली हो तो कहां पर सोच के ओके ओके यार मैं इतनी मशीन गन की तरह थोड़ी कर सकता हूं उठ के बैठो सॉरी सिद्धार्थ बस अब तो छोड़ दो यार हो गई गलती मुझसे मेरा तुम्हारे हिस्से का प्यार क्या सीन है यार आज सारे ग्रह नक्षत्र एक लाइन में है क्या मुझे भी कुछ गड़बड़ी लग रहा है आज खैर अब मैं बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ पूरी सोसाइटी को प्राइड के साथ बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरे दामाद ने इतनी प्यारी बच्ची को गोद लिया राइट भैया एक मिनट मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर तुझे ये बच्ची नानी बुलाएगी तो मुझे क्या बुलाएगी क्या कह के बुलाएगी अगर मैं आपको नानी बुलाती हूँ तो आयशा इनको नानी बुलाएगी और आपको बड़ी नानी कूल राइट या नहीं मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है नानी शब्द सिर्फ मेरे लिए है तो दुर्गा को कुछ और बुलाओ बड़ी बड़ी माँ बड़ी मा? देखो भाई सोच भी लेता है और कई बार सही जवाब भी दे देता है वो सोच के तो यहाँ तक पहुंचे बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ ठीक है अब मैं जाकर अडॉप्शन एजेंसी को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि ये पूरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी खत्म कर दे ओके क्या हो गया ये आई डोंट नो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार किस बात की नानी आयशा का एडमिशन कराना है और मॉम एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है एडमिशंस बंद हो रहे हैं पता नहीं कैसे होगा सब अब इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है रोशनी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अडॉप्शन की कार्रवाई पूरी हो गई है ना एडमिशन भी हो जाएगी चिल नाउ भैया मैंने सब सेट कर दिया अब कोई टेंशन की कोई बात नहीं है घर को सर पर क्यों उठा रहे हो सीधा सीधा कहो ना क्या कहना है तो साफ साफ सुनिए वैसे आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव इट देखो भाई इंडिया के बेस्ट स्कूल की फ्रेंचाइजी ले ली है मैंने आप लोग क्यों घूर रहे हैं मुझे ऐसा क्या कर दिया मैंने I can't believe this, Siddharth. You're the best. Mwah! I love you too, baby. Dekha, mere jamai ko? Yeah, yeah. I know that. Arre, inhe kuch mat dikhaiye. Inhe main itni aasani se pasand aane wala nahi hu, nani ma. Aur itna hi nahi. Main actually soch raha tha ki wo school ko handle kaun karega? रोशनी बच्चों से इतना प्यार करती है हैंडल यही करेगी आर यू किडिंग मी नो मैं स्कूल मैं टीचर मैं कैसे आई एम जस्ट किडिंग ये वो फलाना ढंकाना बोलने से कुछ नहीं होगा यार तुम बच्चों से इतना प्यार करती हो इतना कंपैशन है तुम्हारे दिल में बच्चों के लिए किस दिन काम आएगा देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें